A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English grammar of standard 3rd. Okay? We done our units 1 to 7 and we also done the checkup 1 exercise in our previous session. So today we are going to start a new unit with the name adjective degrees of comparison. Adjective degrees of comparison. Okay, so first of all we have to learn the meaning of adjectives. Adjectives हमने इससे पहले भी जान लिया था कि कौन से वर्ड को एडजेक्टिव कहा जाता है. सो द वर्ड्स वो एड सम मोर मीनिंग्स टू द नाउन और प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव. यानी कि जो भी नाउन या फिर प्रोनाउन है उसके मीनिंग में या तो उसके जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर जो कुछ और ऐड करे, जैसे कि उसका नाम सजेस्ट करता है एडजेक्टिव, जैसे कि उसका नाम सजेस्ट करता है एडजेक्टिव, कुछ और ऐड करे, कुछ और मीनिंग ऐड करे, उसे क्या कहते हैं एडजेक्टिव्स. ओके, सो लुक ओवर द बोर्ड. एडजेक्टिव्स, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन और क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन. एडजेक्टिव्स वो वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन, नाउन या तो फिर प्रोनाउंस का जो मीनिंग है उसे और क्वालिफाई करते हैं, उसकी क्वालिटीज़ में और कुछ एडिशन करते हैं. सेकेंड, द एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन. एडजेक्टिव वो वर्ड्स है जो कोई भी नाउन, कोई भी नेमिंग वर्ड है उसकी अंदर मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड्स करते हैं. उस वो कोई भी जो नाम दिया गया है, कोई भी जो नेमिंग वर्ड है नाउन, उसके लिए मोर इन्फॉर्मेशन यानी कि माहिती प्रोवाइड्स यानी कि देते हैं. व्हाट काइंड, व्हाट कलर एक्सेट्रा, जैसे कि वो कैसे है, उनका कलर क्या है, उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ है, किसके अंदर, नाउन्स के अंदर. वो कौन प्रोवाइड करता है, एन एडजेक्टिव्स. वो क्या प्रोवाइड करते हैं, व्हाट काइंड, जो नाउन्स है वो किस तरह का है. व्हाट कलर, उसका कलर क्या है. वो टाइप, उसकी टाइप क्या है, ये सब कौन प्रोवाइड करता है, एडजेक्टिव्स. ऑलराइट, लुक ओवर हियर, हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव्स. जैसे कि टॉल ट्रीज, देखिए यहाँ पर ये जो ट्रीज है, ट्रीज वो क्या है, नाउन, और टॉल ट्रीज है लेकिन कैसे है, टॉल यानी के लंबे. अगर ओनली ट्रीज लिखा होता तो आप क्या सोच लेते, एक फिगर आपके माइंड में आ जाता कि भाई ट्रीज, लेकिन यहाँ पर देखिए टोल, ये जो नाउन है उसके अंदर कुछ ऐड करता है. क्या ऐड करता है, उसकी क्वालिटी, कि ट्री है भाई लेकिन ट्री कैसा है, लंबा है, छोटा प्लांट या फिर सैपलिंग नहीं है, बड़ा सा ट्री है. ठीक है, सो टोल ये जो वर्ड हुआ, कौन सा वर्ड, टोल, ये क्या हुआ, एडजेक्टिव. क्या हुआ, एडजेक्टिव. ऑलराइट, ये देखिए रेड बैग, बैग है मेरे सामने या फिर मैंने सुना कि बैग, ओके बैग है, लेकिन रेड बैग, यहाँ पर कितने सारे बैग्स पड़े हुए हैं लेकिन मुझे कौन सा चाहिए, रेड वाला. कौन सा, रेड वाला. सो ये बैग के नाउन, बैग का जो मीनिंग है कि भाई एक बैग, उसके अंदर कुछ ऐड करता है कि भाई कोई भी बैग नहीं, ओनली रेड वाला बैग. कौन सा बैग, रेड वाला. सो रेड इज हियर एडजेक्टिव, क्योंकि रेड ने बैग, बैग जो नाउन है उसके मीनिंग के अंदर कुछ ऐड किया, बैग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि भाई कोई भी बैग नहीं, ओनली रेड वाला बैग. ठीक है, ब्लू सी, समंदर है लेकिन ये जो ब्लू वर्ड है वो सी के मीनिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन और डालता है. ठीक है, सी है लेकिन कैसा, ब्लू. सो यहाँ पर ये ब्लू क्या हुआ, एडजेक्टिव. नेक्स्ट, लॉन्ग है, पैर तो सभी लड़कियों के, लड़कों के अलग अलग से होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के लंबे होते हैं, किसी के बहुत छोटे है होते हैं, किसी के बहुत लंबे होते हैं. हेयर है, एक वर्ड हमारे माइंड में आया कि हेयर, लेकिन कैसे हेयर, लॉन्ग है. कैसे हेयर, लॉन्ग, शॉर्ट नहीं, लॉन्ग है. सो ये जो लॉन्ग वर्ड है वो हेयर की इन्फॉर्मेशन में कुछ और ऐड करता है. हेयर है लेकिन कैसे,
long. So here hair is a noun and long is adjective. क्योंकि उसने हेयर के मीनिंग में कुछ ऐड किया कि भाई कोई ऐसे वैसे छोटे पतले लंबे ऐसे कोई हेयर नहीं बल्कि लंबे हेयर. ऑलराइट. फेयर स्किन, सभी लोगों की सभी पीपल्स की स्किन एक सी नहीं होती. कुछ का टोन फेयरर होता है, कुछ का डार्क होता है, शेड अलग अलग होते हैं. यहाँ पर किसी की स्किन के बारे में बात की कि भाई उस लड़के की स्किन ऐसी है, उस लड़के की स्किन ऐसी है, लेकिन कैसी? फेयर. ओके, कैसी स्किन? फेयर. यहाँ पर स्किन क्या हुआ हमारा? नाउन. एंड फेयर क्या हुआ? एडजेक्टिव. ब्रदर, भाई छोटा भी होता है और बड़ा भी. हमें कौन से भाई के बारे में बताना है? बिग ब्रदर. ऑलराइट. ब्रदर क्या हुआ? एक नाउन. एंड बिग क्या हुआ? एडजेक्टिव. ओके, क्योंकि बिग से हमें पता चलता है कि भाई भाई है, लेकिन कैसा भाई है? बड़ा भाई. ओके, सो हियर बिग इज अ एडजेक्टिव एंड ब्रदर इज अ नाउन. नेक्स्ट, वाइज पीपल, लोग हैं, कई सारे लोग हैं, लेकिन लोग कैसे हैं? वाइज यानी कि बहुत ही समझदार है. कैसे पीपल्स है? समझदार, जैसे कि आप सब हो. यू आर, यू ऑल आर वाइज किड्स. ओके, यहाँ पर वाइज क्या हुआ? एडजेक्टिव. एंड वॉट इज द पीपल? पीपल इज नाउन. ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल है लेकिन कैसी है? ब्यूटीफुल. गर्ल है लेकिन कैसी है? अगली गर्ल. गर्ल है लेकिन कैसी है? फेयर गर्ल. तो यहाँ पर ये जो पहले वाले वर्ड्स है वो सारे कौन से हुए? एडजेक्टिव. लास्ट, लॉन्ग क्वेश्चंस. आपकी बुक्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस भी होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं. ओनली क्वेश्चंस लिख देंगे कि तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे भाई इसको हमें कैसे डिस्क्राइब करना है, शॉर्टली या फिर डिटेल में. अगर आपको यहाँ पर प्रॉपरली कहा गया होगा कि लॉन्ग या तो शॉर्ट, तो आपको पता चलेगा भाई इसका आंसर शॉर्ट में रखना है, इसका आंसर लॉन्ग में रखना है. सो हियर लॉन्ग क्वेश्चंस, सो लॉन्ग इज एन एडजेक्टिव एंड क्वेश्चन इज अ नाउन. ठीक है, ये सारा मैंने एग्जांपल्स एंड डेफिनेशन आपको इसलिए बताई, ये कहीं पर भी आपके बुक में नहीं है. ठीक है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि वॉट इज एडजेक्टिव. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन या तो प्रोनाउन उसके मीनिंग में कुछ ऐड करे, कुछ इन्फॉर्मेशन दे, उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव. ये सारे एडजेक्टिव है, टॉल, रेड, ब्लू, लॉन्ग, फेयर, बिग, वाइज, ब्यूटीफुल एंड लॉन्ग. क्योंकि ये जो नाउन्स है, ट्रीज, बैग, सी, हेयर, स्किन, ब्रदर, पीपल, गर्ल एंड क्वेश्चन, उनके नाम में ये मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन. डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन. ओके स्टूडेंट्स, डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, जैसे कि हमने देखा कि एडजेक्टिव का नाम ही सजेस्ट करता है, एडजेक्टिव यानी कि कुछ ऐड होता हो, वैसे ही डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन. ओके, डिग्रीज वर्ड आपने शायद सुना होगा कि भाई जब कोई हमारे फैमिली में से कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो फिर क्या क्या उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री आ गई. ठीक है, फिर पीएचडी कर लिया, अरे भाई वो तो पीएचडी की पढ़ाई कर रहा है, अरे भाई वो तो साइंटिस्ट बन गया, उसके पास तो ये डिग्री है, वो डिग्री है. राइट, सो एक मीनिंग ऐसा भी होता है कि जब हम कोई पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, ठीक है, सेवन्थ में से एट्थ में आ गए, टेंथ में से ट्वेल्थ में आ गए, तो ये क्या हुआ? एक लेवल बढ़ गया हमारा. ठीक है, एक लेवल बढ़ गया तो हम उसे भी डिग्री कहेंगे. डिग्री का इस्तेमाल टेम्परेचर के लिए भी होता है कि भाई आज तो बहुत बहुत ही ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर था, अरे आज तो बहुत ही लो. अगर विंटर रहता है तो हम बोलते हैं अरे माइनस इतना टेम्परेचर था कश्मीर में, स्विट्ज़रलैंड में माइनस में माइनस डिग्री में टेम्परेचर चला गया था, अरे हमारे सीहोर में तो 10 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच गया था, बहुत ठंड लग रही थी. अगर समर है तो हम बोलेंगे ओ माई गॉड आज का दिन तो इतना हॉट रहा, 36 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया था, 40 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया था. ठीक है, सो ये लेवल दिखाता है. क्या दिखाता है? लेवल, कि भाई आज इतना डिग्री था, कल इतनी हो गई, उससे बाद इतनी हो गई, या तो कम हो गई या तो ज़्यादा हो गई. सो डिग्री यहाँ पर एज अ लेवल मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं. अगर आपने सुना होगा तो ये भी शायद किसी टीवी सीरियल में या तो फिर मूवीज़ में कि पुलिस ने बहुत ट्राई की,
पुलिस ने बहुत ट्राई की, फिर भी उस चोर ने अपना मुंह नहीं खोला। फिर पुलिस को थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ा ऑफ हाई लेवल, थर्ड डिग्री। तो देखिए यहाँ पर डिग्री हो गया स्कूल कॉलेज किसी डिग्री कोई भी लेवल के बारे में, ठीक। दूसरी बार डिग्री का इस्तेमाल कहाँ पर हुआ, तो भाई टेम्परेचर के लिए। यहाँ पर डिग्री का इस्तेमाल कहाँ पर, चोर को मारने के लिए थर्ड डिग्री दिया गया, ठीक है। थर्ड डिग्री यानी कि हाई टॉर्चर, जब वो बोलता ही नहीं है किसने मर्डर किया है, किसने चोरी कोई भी क्राइम किया हो और वो अपना मुंह नहीं खोल रहा हो, तो फिर पुलिस को परमिशन मिलती है कि उसको थर्ड डिग्री टॉर्चर कीजिए। तो यहाँ पर भी डिग्री का इस्तेमाल हुआ। और अगर आपने फोकस किया होगा तो आपको पता होगा कि मैथ्स में भी डिग्री का इस्तेमाल होता है। कहाँ पर, मैथ्स में भी, कि भाई 360 डिग्री, 90 डिग्री, 85 डिग्री, 70 डिग्री, आप 70 डिग्री का ये बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, ट्राइंगल बनाओ, ठीक है। सो यहाँ पर भी डिग्री का इस्तेमाल होता है। तो भाई आखिर ये डिग्री है क्या, इन चारों मीनिंग में हमने डिग्री को देख लिया, तो इसका इस्तेमाल तो यहाँ पर एडजेक्टिव के साथ ऑब्वियसली नहीं हुआ होगा। तो फिर ये डिग्री क्या है, किसी भी टॉपिक को डीपली जानने से पहले हमें पहले उसका मीनिंग प्रॉपरली समझना चाहिए, ठीक है। सो आप सब ने देखा कि पहले पुलिस ने लोअरली ट्राई किया था, फिर भी उसने अपना मुंह नहीं खोला, फिर उसको क्या करना पड़ा, उसको थर्ड डिग्री देना पड़ा, ठीक है। यहाँ पर 10th पास किया, 12th पास किया, फिर उसने ग्रेजुएशन किया, सो उसका लेवल एक्सटेंड होता गया, बढ़ता गया, ठीक है। सो लेवल यहाँ पर क्या दिखाता है, डिग्री। हमें भी यहाँ पर हमारे थर्ड स्टैंडर्ड के इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो डिग्री पढ़ना है वो भी लेवल वाइज ही है। अगर हम इसका प्रॉपर वर्ड्स में मीनिंग समझने की ट्राई करेंगे तो डिग्री मीन्स डिग्री का मतलब होगा अ लेवल ऑफ एक्सटेंशन, यानी के बढ़ना, लेवल का बढ़ना, ठीक है। अभी डिग्री का इस्तेमाल यहाँ पर कैसे होगा, तो हमने एडजेक्टिव का मतलब देख लिया, डिग्री का मतलब देख लिया, अब कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या है, आपको उसका नॉर्मल वर्डिंग वर्ड्स में जो उसका मीनिंग है वो पता ही होगा। कंपैरिजन मीन्स तुलना करना, किसी दो ऑब्जेक्ट की। कंपैरिजन ऑलवेज दो ऑब्जेक्ट, दो पर्संस, दो थिंग्स, दो प्लेस के बीच में ही होती है, दो नाउन्स के बीच में ही कंपैरिजन होंगे। कंपैरिजन का नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग क्या है, तुलना करना, टू कंपेयर, राइट। कंपैरिजन करना कि भाई इसके अंदर ये क्वालिटी है, इसके अंदर वो क्वालिटी है, ये टॉल है, ये शॉर्ट है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये मोटा है, ये पतला है, तो ये सब क्या हुआ, ये हुई कंपैरिजन। सो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, एडजेक्टिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कौन किसकी कंपैरिजन हमें करनी है, डिग्रीज की। आपको तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स ही नॉर्मल ही बेसिक ही समझना है कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, लेकिन जब जब आपका स्टैंडर्ड, आपका भी लेवल बढ़ता जाएगा, थर्ड में से फोर्थ में आओगे, फोर्थ में से फिफ्थ में आओगे, तब ये डिग्रीज टोटल तीन टाइप की होती है, डिग्रीज टोटल तीन टाइप की होती है, ये आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जब जब आपका लेवल एक्सटेंड होता जाएगा तब, ठीक है। सो अभी हम टेक्सुअल एडजेक्टिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इज व्हाट, ये समझने की ट्राई करेंगे। स्टूडेंट्स लुक ओवर द बोर्ड, व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ टू नाउन्स वी एड ईआर टू द एडजेक्टिव्स एंड यूज देन आफ्टर द एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पर दो वर्ड्स का यूज हुआ है, एड ईयर एंड धैन। हमने अभी जब हम एडजेक्टिव्स के बारे में देख रहे थे तब हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, अगर नाउन के मीनिंग में कुछ एडिशन करते हैं जो वर्ड, उनको क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव। लेकिन वो क्या होता है, सिंगल, जैसे कि रेड बैग, ब्लू सी, वाइज पीपल, ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। सो वो एक एक थे,
इसलिए वो क्या थे, एडजेक्टिव। लेकिन अगर कंपैरिजन, अभी हमें क्या पढ़ना है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। लेकिन अगर हमें कंपैरिजन करनी है सो ऑब्वियसली दो थिंग्स या फिर दो ऑब्जेक्ट तो लगेंगे ही, दो पीपल तो लगेंगे ही, दो प्लेसेस तो लगेंगे ही, तभी हम उनकी कंपैरिजन कर सकेंगे। सो जब कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स या फिर ऑब्जेक्ट होंगी अमोंग टू, तब हम कौन से वर्ड का यूज़ करके उनकी कंपैरिजन को शो करेंगे। सो हम ER, जो भी प्रोनाउन है उसके पीछे, हम सॉरी जो भी नाउन है उसके पीछे, जो भी एडजेक्टिव है उसके पीछे हम ER, एंड जो दूसरा है जिसके साथ हमें कंपैरिजन करना है उसको धैन से कनेक्ट करके हम उसकी कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। सो कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं एज एन एग्जाम्पल्स, उसे आप देख लीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो टेक्सुअल एग्जाम्पल है वही देखते हैं। सीवीज हेयर इज लॉन्गर देन किरण्स है, यहाँ पर दो लड़कियों की कंपैरिजन है। किसकी कंपैरिजन है, हेयर की, हेयर की लेंथ की कंपैरिजन है। किन दोनों लड़कियों की, सीवी की एंड किरण के, ठीक है। सीवी के जो हेयर है वो किरण के हेयर से बड़े हैं। सो सीवीज हेयर इज लॉन्गर, लॉन्ग जो एडजेक्टिव है उसके पीछे क्या लगा दिया, ER, क्या लगा दिया, ER, longer than किरण के आगे कौन सा वर्ड लग गया, than, क्योंकि सीवी के जो हेयर है वो किरण के हेयर से बड़े हैं। सो सीवीज हेयर इज लॉन्गर देन किरण्स हेयर, ओके, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट, द सन शाइन्स ब्राइटर देन द मून, जो सूरज है वो चंद्र से ज़्यादा ब्राइटर शाइन करता है। ब्राइट जो एडजेक्टिव है उसके पीछे ER लगा देने से ये क्या हो गया, डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, ब्राइटर देन मून्स ब्राइटनेस, ओके। द सन शाइन्स ब्राइटर देन द मून, सन है वो मून से ज़्यादा ब्राइटर शाइन करता है। वैसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, दिस बुक इज लाइटर देन दैट, ये जो बुक है वो दूसरी वाली बुक से थोड़ी ज़्यादा लाइट है। यहाँ पर लाइट जो एडजेक्टिव है उसके पीछे क्या वर्ड लग गया, ER, prefix, suffix, all right? Mohan is stronger than Sohan. अगर मोहन की किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हुई होती तो हम क्या बोलते, मोहन इज स्ट्रांग, मोहन इज स्ट्रांग बॉय। तो यहाँ पर बॉय के आगे कुछ लगा स्ट्रांग, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। लेकिन मोहन की कंपैरिजन यहाँ पर किसके साथ है, सोहन के साथ, ओके। मोहन इज स्ट्रांगर देन सोहन, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव के पीछे ER लगा देने से और सोहन के आगे देन, ER एंड देन मिलकर क्या बनाते हैं, एक कंपैरिजन, ऑल राइट। नेक्स्ट, द एरोप्लेन मूव्स फास्टर देन द ट्रेन, कौन से दो नाउन के बीच में कंपैरिजन है, एरोप्लेन एंड ट्रेन आर नाउन्स, ओके। कौन सी कंपैरिजन है भाई, उनकी स्पीड के बारे में, एरोप्लेन ट्रेन से ज़्यादा फास्टर मूव करता है। फास्ट के पीछे क्या लग गया, एडजेक्टिव ER, सुफिक्स क्या लग गया, ER। नेक्स्ट, रिटाज हेयर इज शॉर्टर देन रिचाज हेयर, अभी हमने लॉन्ग हेयर के बारे में देखा था, नाउ शॉर्ट है, रिटा के हेयर रिचा के हेयर से क्या है, छोटे है, शॉर्टर, ओके। रिटाज हेयर इज शॉर्टर देन रिचाज हेयर, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड What I mean to say? देखिए आप, अभी हमने ER लगा देने से ये डिग्री समझी, लेकिन कुछ लाइट स्ट्रॉन्ग मूव्स, लाइट स्ट्रॉन्ग फास्ट शॉर्ट, ये सारे कौन से एडजेक्टिव थे, शॉर्ट एडजेक्टिव, राइट। कुछ एडजेक्टिव, कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो बड़े होते हैं, ठीक है, तो उनके पीछे ER लगा देने से कंपैरिजन नहीं बन सकती। जैसे कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के पीछे अगर हम ER लगा दें, ब्यूटीफुलर, सो ये कोई वर्ड नहीं बनता है। तो ऐसे कुछ वर्ड है, इसको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये अब हम देखते हैं। फॉर सम एडजेक्टिव वी डू नॉट एड ER, इंस्टेड वी यूज द वर्ड मोर बिफोर देम, कुछ वर्ड, कुछ बड़े वर्ड्स थोड़े बड़े होते हैं उसके पीछे ER नहीं लगाया जाता, बल्कि उनके आगे प्रीफिक्स मोर लगा दिया जाता है, ठीक है, उनकी कंपेयर करने के लिए प्रीफिक्स मोर लगा दिया जाता है।
और जो सेंटेंस बनता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का वो मीनिंगफुल रहता है, ठीक है, उसके पीछे ईआर नहीं लगता। ऐसे कुछ वर्ड्स है जैसे कि एग्जांपल है आपके यहाँ पर, दिस एग्जाम इज मोर डिफिकल्ट देन द क्लास टेस्ट, ओके, सो डिफिकल्टर ऐसा नहीं लगेगा, डिफिकल्ट के पीछे ईआर नहीं लगेगा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनके पीछे ईआर लगा देने से डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन नहीं बनता, बल्कि उनके आगे प्रीफिक्स मोर लगा देने से मीनिंग का सेंटेंस का जो मीनिंग है वो एज इट इज रहता है। जैसे कि डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर ऐसा नहीं बनता, मोर ब्यूटीफुल, ओके। सो हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ऐसे वर्ड्स के, ओके स्टूडेंट्स, देर आर सम मोर एग्जांपल्स फॉर सम एडजेक्टिव्स वी डू नॉट एड ईआर, इंस्टेड वी यूज द वर्ड मोर बिफोर देम। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया कि कुछ वर्ड थोड़े बड़े होते हैं, सो उनके पीछे ओनली ईआर लगा देने से वो एडजेक्टिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम उन वर्ड्स के आगे प्रीफिक्स मोर का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स आप देख ले, आई एम मोर कंफर्टेबल इन दिस सीट देन दैट, कंफर्टेबल के पीछे ईआर नहीं लगाया जाता, कंफर्टेबलर नो, ओनली मोर लगेगा, ठीक है। आई एम मोर कंफर्टेबल इन दिस सीट देन दैट, ज्योति इज मोर ब्यूटिफुल देन मीना, ब्यूटिफुल लर नहीं होगा, मोर ब्यूटिफुल होगा, ऑल राइट। दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट वन, इंटरेस्टिंगर ऐसा वर्ड नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, मोर इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट वन, दिस लेसन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द नेक्स्ट लेसन, अभी जो लेसन चल रहा है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है किससे, जो नेक्स्ट चलेगा उससे। सो देखिए ये जो वर्ड्स है, कंफर्टेबल, ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, इम्पोर्टेंट, ये साउंड बिग है और इनके आगे, इनके पीछे ईआर सुफिक्स नहीं लगता, बल्कि इनके आगे मोर प्रीफिक्स लगता है, ठीक है। देख लीजिए आप सब इसको एक बार, ओके स्टूडेंट्स, वी लर्न दैट when we compare the qualities of two nouns we add er to the adjective and use then after the adjective, aur agar wahi adjective thoda bada hai, bada sound karta hai, to hum kya use karenge, more, lekin kahan par, jab object two ho tab. Now we are moving to comparing three or more objects, okay, jab object three se zyada ho तब हम क्या करेंगे। सो देखिए, व्हेन वी कंपेयर थ्री और मोर ऑब्जेक्ट्स वी ऐड ईएसटी टू द ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव, वी ऑलवेज यूज द विद दिस फॉर्म, वी डू नॉट यूज देन। देखिए यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं कि जब हमें दो ऑब्जेक्ट की तुलना करनी थी तब हम क्या करते थे, जो भी एडजेक्टिव था उसके पीछे ईआर लगा देते थे, और जिसके साथ कंपैरिजन करनी थी वहाँ पर देन को अटैच करके हम बैलेंस करते थे। लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए दो ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि दो से ज़्यादा है, ठीक है, या फिर जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सभी में से कोई सर्वश्रेष्ठ है ये दिखाना है, तब हम कैसे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का यूज़ करेंगे। तो देखिए कि जब दो से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन हो और किसी एक को सर्वश्रेष्ठ दिखाना हो, या फिर सभी में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ दिखाना हो, तब हम ईआर नहीं, उसकी जगह पर इंस्टेड ऑफ ईआर वी आर यूजिंग ईएसटी, द वर्ड ईएसटी वी यूज इंस्टेड ऑफ ईआर टू शो द लेवल ऑफ डिग्रीज, ओके। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, फर्स्ट हम बुक में जो एग्जांपल है वही देख लेते हैं। आई हैव थ्री डॉग्स, मेरे पास तीन कुत्ते हैं, द ब्राउन वन इज द नॉटीएस्ट of them all, तीनों में से जो brown one है उसकी comparison उनको उन तीनों के compare में ज़्यादा बढ़ा कर कहना है। so यहाँ पर देखिए then की जगह पर ध हो गया and naughty are, जो हम दो object के बारे में जब comparison करते थे तब naughty are use करते थे, ठीक है, यहाँ पर naughtiest EST, क्योंकि among all the three dogs the brown dog is more naughtiest, okay. Now Gurdeep is the fastest swimmer in the
टीम, ये जो गुरदीप नाम का जो लड़का है वो पूरी टीम में से सबसे फास्टेस्ट स्विमर है, क्योंकि उसको पूरी टीम में से सबसे ज़्यादा अव्वल दिखाना है, इसलिए कौन सा वर्ड यूज होगा, EST सुफिक्स। ऑल राइट, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर भी देखे। मान्या इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, देखिए यहाँ पर पूरी क्लास की बात हुई है जिसमें मान्या पूरे क्लास में से सबसे लंबी है, सो वी यूज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, टॉलेस्ट एंड दी, वी डू नॉट यूज देन, यहाँ पर देन का यूज़ नहीं होगा बल्कि कौन से वर्ड का यूज़ होगा, द का, ठीक है। नेक्स्ट, विनोद इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द जिम, विनोद पूरे जिम में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो वी यूज EST टू डिस्क्राइब कि विनोद पूरे जिम में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो वी यूज EST स्ट्रॉन्गेस्ट। नेक्स्ट, द रेड कार वॉज द बिगेस्ट अमोंग ऑल द कार्स, सभी कार में से जो रेड कार है वो बिग है, ठीक है, सो वी यूज द वर्ड बिगेस्ट। नाउ देखिए, जैसे कि हमने पहले देखा था कि दो ऑब्जेक्ट में अगर हमें कंपैरिजन करनी है तो फिर हम ER का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर एडजेक्टिव थोड़ा बिग है जैसे कि ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, राइट, सो हम उसके पीछे ER नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, मोर, उनके आगे प्रीफिक्स मोर का यूज़ करेंगे। ठीक वैसे ही एज इट इज़ यहाँ पर हम अगर कोई ऐसा बिग वर्ड आया जैसे कि ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, कंफर्टेबल, राइट, तो हम अगर सबसे ज़्यादा सबसे सभी में से सर्वश्रेष्ठ दिखाना है तो हम जैसे वहाँ पर मोर का यूज़ करते थे वैसे ही यहाँ पर कौन से वर्ड का यूज़ करेंगे, मोस्ट का, कौन से वर्ड का, मोस्ट। लुक ओवर द बोर्ड, इन सम केसेस वी डू नॉट यूज एड EST, इन सम केसेस वी डू नॉट एड EST टू द एडजेक्टिव, हम EST का यूज नहीं करेंगे, इंस्टेड वी यूज द वर्ड द मोस्ट, ओके, द मोस्ट बिफोर एडजेक्टिव, कौन सा वर्ड हम यूज करेंगे, द मोस्ट, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कलरफुल रूम एट द हाउस, पूरे घर के अंदर जितने भी रूम्स हैं इसमें से ये रूम सबसे ज़्यादा कलरफुल है, द मोस्ट, वजह के कलरफुलेस्ट, नो कलरफुलेस्ट, कौन सा वर्ड यूज होगा, द मोस्ट कलरफुल। लाइक दिस, पिया इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, पूरे क्लास में पिया है वो मोस्ट इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंटेस्ट ऐसा नहीं होगा, क्या होगा, द मोस्ट इंटेलिजेंट। देखिए आपकी बुक में, द चॉकलेट केक इज द मोस्ट डिलिशियस केक आई हैव एवर ईटन, मैंने अभी तक जितने भी केक खाए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा टेस्टियर केक, सबसे ज़्यादा टेस्ट में अव्वल केक कौन सा है, चॉकलेट केक, सो आई यूज दिस चॉकलेट केक इज द मोस्ट डिलिशियस केक आई हैव एवर सीन, डिलिशियसेस्ट ऐसा वर्ड यूज होगा नहीं, कौन सा, मोस्ट डिलिशियस, ओके। द स्टोरी ऑफ द टाइगर इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल द स्टोरीज इन द बुक, ये जो टाइगर की स्टोरी है वो पूरी बुक में से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पूरी बुक की बात हुई है यहाँ पर, सभी बुक्स में से, सभी स्टोरीज में से मोस्ट इंटरेस्टिंग है, सो वी कैन यूज द वर्ड मोस्ट इंस्टेड ऑफ EST, इंटेली इंटरेस्टिंगेस्ट ऐसा नहीं बोलेंगे, मोर मोस्ट इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, यू अंडरस्टूड ऑल द एग्जाम्पल्स एंड ऑल द एक्सप्लेनेशन वट एवर आई गिवन टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, आपको होमवर्क में ये सब रीड करना है, कुछ और एग्जाम्पल्स कलेक्ट करने हैं अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। सो मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट सेशन, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय।